हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में एक बार फिर से। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल स्टडी पेपर 1, जिसका पॉइंट नंबर 7 हम लोग कर रहे थे। इसमें दो टॉपिक खत्म हो गए हैं, जो एक महिलाओं से संबंधित है और एक जनसंख्या से संबंधित था। अब हम तीसरा टॉपिक इसमें लेके आए हैं, गरीबी और विकासात्मक विषय, जिसका ये पार्ट 1 है। ये सारे पार्ट खत्म होने के बाद मैं आपको इसकी PDF अपने सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप ये चैनल ऐसे ही देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पे कई नई वीडियो सीरीज चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में काफ़ी नई चीज़ें जो कि अब हम लेकर आएंगे, करंट अफेयर की सीरीज़, वन लाइनर GK सीरीज़, MPPCS की सीरीज़, और ये जो मेंस का पेपर चल रहा है ये तो एज इट इज़ चलता रहेगा, जिसमें हम GS पेपर 1 के लिए ये जो हिस्ट्री का पेपर है जिसमें सोशल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम करा रहे हैं, प्लस हम लोग भूगोल का जो GS पेपर 1 के अंदर टॉपिक्स हैं वो करा रहे हैं, हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसने चूज़ किया है, प्लस GS में भी जो टॉपिक कवर होते हैं वो भी हो रहा है, और हमारा साथ के साथ एथिक्स का जो कि GS पेपर 4 का सब्जेक्ट है वो भी हम लोग साथ में इसको लेके कवर कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो सीरीज़ अब जल्द से जल्द काफ़ी मॉडिफिकेशन हो रहा है इसमें, बहुत हम लोग काफ़ी व्यापक पैमाने पर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोग जो कि मेंस की तैयारी कर रहा है वो तो मेंस की तैयारी करता रहे, जिसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है वो मेंस पढ़े, तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जो प्री की तैयारी कर रहा है वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद अपना वन लाइनर GK के साथ अपना प्री एज इट इज़ चलाता रहे और अपने प्रैक्टिस सेट उसके हिसाब से प्रैक्टिस करता रहे अपने वन लाइनर, क्योंकि प्री वन लाइनर आता है तो हमें वन लाइनर पर भी फोकस करना ज़रूरी है। मैं करंट अफेयर की सीरीज़ इसलिए शुरू कर रही हूँ कि करंट अफेयर एट ए टाइम नहीं पढ़ा जाता है, तो करंट अफेयर सीरीज़ में मैं वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी बताऊँगी, जो कि प्री के साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं गरीबी और विकासात्मक विषय, इसमें आप लोगों को पता ही होगा अभी अक्टूबर नवंबर में पॉवर्टी इंडेक्स आया है, तो अगर आप उसकी रैंकिंग इंडिया की और बाकी फर्स्ट पे कौन है, लास्ट पे कौन है, ये सब चीज़ उसमें डेटा ऐड करते हैं अपने आंसर में, तो बहुत ही अच्छा आपका आंसर रेटिंग होगी। तो साथ के साथ इसमें मैं करंट अफेयर जो भी आपको न्यू लेटेस्ट आया है वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी, इसलिए मेंस के पर्पज़ से भी आपको मेरी करंट अफेयर की सीरीज़ देखनी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन लाइनर जो कि हमारे प्री में काम आता है प्लस मेंस में जो काम आएगा डिस्क्रिप्टिव, वो भी मैं आपको साथ के साथ उसमें बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक करते हैं गरीबी और विकासात्मक विषय, इसका हम पार्ट 1 करेंगे। तो हम इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें पढ़ेंगे परिभाषा, परिभाषा मीन्स गरीबी की अवधारणा क्या है, गरीबी क्या होती है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, दोनों में हम देखेंगे। नेक्स्ट हम इसमें कारण देखेंगे कि गरीबी के क्या कारण हैं, विशेषतः इंडिया के लिए गरीबी के क्या कारण हैं। अब इसमें देखेंगे भारत के संदर्भ में क्या आंकड़े हैं गरीबी के इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट गरीबी के प्रकार कितने होते हैं, इसके बाद हम देखेंगे गरीबी की माप कैसे की जाती है भारत में और बाहर के देशों में भी। नेक्स्ट गरीबी का क्या क्या प्रभाव होता है, उस गरीबी को सुधारने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, ये हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट गरीबी को हटाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, जो लेटेस्ट योजनाएं हैं और जो काफ़ी दिनों से चल रही हैं, जैसे अन्नपूर्णा अन्न योजना, इस टाइप की योजनाओं को हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो काफ़ी बहुत लंबा टॉपिक इसे कह सकते हैं, दिया तो है सिर्फ गरीबी, लेकिन उसके अंदर इतने एस्पेक्ट्स आ सकते हैं कि हमें काफ़ी चीज़ें इसमें कवर करके साथ में चलनी पड़ेगी, इसमें छोड़ा नहीं जा सकता कुछ भी, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं एक एक टॉपिक इसमें कवर करा रही हूँ। मैं सिर्फ ऊपर से ये नहीं बता रही कि गरीबी क्या है, उसके कारण प्रकार प्रभाव ये थे, उसमें काफ़ी डाटा भी मुझे इसमें कलेक्ट करना पड़ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, इसलिए पार्ट्स इसमें लाने पड़ रहे हैं मुझे। चलिए अब हम देखते हैं गरीबी का अर्थ और परिभाषा। तो मूलतः आप लोग ये जानते ही होंगे कि अगर गरीबी उस स्थिति को कहा जा सकता है, हम लोग उस स्थिति को गरीबी कहेंगे जब लोग अपने भोजन, वस्त्र और आवास या आश्रय संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं,
तो उस स्थिति को गरीबी कहे जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान तीन ही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अगर ये तीनों आवश्यकताएं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पूरी नहीं होती हैं तो उस स्थिति में उसे गरीब कहा जाएगा। पहले जो गरीबी होती थी वो कैलोरी पे मापी जाती थी, मतलब कि जो यूएन ने शुरुआती दिनों में गरीबी को एक निश्चित मात्रा में कैलोरी या फिर अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए आय प्राप्ति की क्षमता के संदर्भ में मापा जाता था। जैसे कि पहले होता था, सामान्य रूप से कहा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आय के संदर्भ में गरीबी को $1 या $2 प्रतिदिन खर्च करने की क्षमता के आधार पर मापा जाता था कि जो पर्टिकुलर पर्सन प्रतिदिन $1 या $2 खर्च कर सकता है तो उसी के हिसाब से उसको गरीब या न गरीब होना निर्धारित किया जा सकता था। लेकिन अब इस विचारधारा को बदल दिया गया है, बहुत सारे आयाम गरीबी में शामिल कर लिए गए हैं। इसलिए अब गरीबी की परिभाषा में 1970 के दशक में, जो कि जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो था उसने गरीबी की परिभाषा को बहुत ही ज़्यादा व्यापक बनाया। अगर कोई इंसान बुनियादी ज़रूरत जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, भोजन वस्त्र आवास आश्रय, ये सब चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाता, इसको पाने में असक्षम होता है तो उसे गरीब की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1970 के दशक में ये परिभाषा अवधारणा चेंज की गरीबी की, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम ये दो परिभाषाएं मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। विश्व बैंक के अनुसार विकासशील एवं अल्पशिक्षित देशों के ऐसे व्यक्ति गरीब की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाएंगे जिनके प्रतिदिन की आय $1.25 से कम हो, जबकि विकसित देशों के लिए $2 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो ये विश्व बैंक ने ये परिभाषा दी है। बट अब थोड़ा सा ये तो हमारी जो ट्रेडिशनल परिभाषा है विश्व बैंक और योजना आयोग के अनुसार, लेकिन जब अगर मेनली पूछा जाए तो हम गरीबी में और भी बहुत सारे आयाम देखते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग ने कहा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी पर दिन, मतलब पर डे, तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी पर दिन के हिसाब से जिन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है उसे गरीबी रेखा से नीचे कहा जाएगा। आपको ये तेंदुलकर समिति के बारे में पता होगा जिन्होंने गरीबी के आंकड़े दिए थे, तो ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरे में। तो आप इन दोनों परिभाषा में से कोई भी एक परिभाषा अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, एज इट इज़ परिभाषा एज इट इज़ आएगी, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे। हाँ, जो ऊपर वाली कॉमन लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं वो आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं कुछ अलग से परिभाषाएं आपको देना चाहती हूँ। जैसे कभी कभी कुछ, अब हमें ये नहीं पता कि 3 नंबर में पूछेगा पेपर या फिर 6 नंबर में पूछेंगे या 10 मार्क्स में पूछेंगे, तो मैं कुछ जो टॉपिक्स हैं क्लियर नहीं हो पाते उसके बारे में भी आपको समझा देती हूँ। जैसे कि कभी कभी पूछ लेते हैं गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है। तो गरीबी की जो दुष्चक्र है इसकी अवधारणा जो दी थी प्रोफेसर रेगनर नरकसे ने दी थी, प्रोफेसर रेगनर नरकसे। तो रेगनर नरकसे ने कहा था कि गरीबी के दुष्चक्र में विभिन्न कारक, बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन पूंजी का अभाव सबसे बड़ा कारक होता है गरीबी में। तो पूंजी के अभाव के कारण निवेश कम होगा, जब पूंजी नहीं होगी तो उद्योग नहीं लगेंगे, कारखाने नहीं लगेंगे, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगे, निवेश कम होगा। अगर निवेश कम होगा तो उत्पादन, रोजगार और आय तीनों पर ही बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनमें वृद्धि नहीं होगी। तो अल्पविकसित देश ऐसे ही जो दुष्चक्र है उसमें फंसे रहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है तो फिर निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, तो गरीब गरीब और गरीब होता जाएगा। तो इसी को गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। अल्प विकसित जो देश होते हैं इसी दुष्चक्र में फंसे रहते हैं क्योंकि वहाँ निवेश हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए विकसित की प्रक्रिया अत्यंत मंद, सॉरी विकसित नहीं है, या विकास की प्रक्रिया अत्यंत मंद हो जाती है, विकास की प्रक्रिया बहुत मंद हो जाती है, ज़्यादातर अल्प विकसित देशों में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भुखमरी की। भुखमरी क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए। वैसे तो आम बोलचाल में हम कह सकते हैं कि भुखमरी क्या होता है कि खाने की पूरी प्रॉपर चीज़ें ना मिलना, उसे भुखमरी कहते हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेशन एज अ कुछ परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो विटामिन, पोषक तत्व, ऊर्जा, अंतग्रहण की गंभीर कमी को भुखमरी कहा जाता है। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी आवश्यकता अनुसार विटामिन नहीं मिलता, पोषक तत्व नहीं मिलते, और जो भी उसे चीज़ें चाहिए होती है ग्रहण करने के लिए वो चीज़ें नहीं मिलती, कुपोषण की स्थिति होती है, तो उसी स्थिति को भुखमरी कहा जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं निर्धनता रेखा। आपने कई बार सुना होगा कि निर्धनता रेखा से नीचे वालों को इतना राशन दिया जाएगा, तो वो निर्धनता रेखा होती क्या है ये आज देख लेते हैं। योजना आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा हासिल कर पाने में अक्षम व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ये तो सबको ही पता है कि जो कैलोरी नहीं गेन कर पाता जितनी उसे आवश्यकता होती है तो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। लेकिन ये वो गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा होती क्या है, तो वो होती है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जुटा पाने में अक्षम व्यक्तियों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको कहा जाएगा कि वो निर्धनता रेखा से नीचे है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे गरीबी के कारण क्या होते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, ये आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मैं आपको पॉइंटर दे देती हूँ, इस पॉइंटर्स का यूज़ करके आप अपने शब्दों में इसका डिटेल्स लिख सकते हैं। विशाल जनसंख्या, तो जो भारत में है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी कितनी जनसंख्या है, 121 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, उससे अधिक ही है। और ये जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर भी 17.7% के करीब है, जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। तो इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी तीव्र जो वृद्धि दर है, इससे बढ़ती जनसंख्या के लिए रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा भी उपलब्ध कराने में पूरा देश का हमारा धन व्यय हो जाता है। मतलब कि हम निवेश कब करेंगे, जब रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं इन लोगों को दिला पाएंगे तो हम उद्योगों में, फैक्ट्रियों में और कारखाने लगाने में निवेश कैसे कर पाएंगे, हमारे पास धन कहाँ से आएगा, सारा धन तो यहीं खर्च हो जाता है। इसलिए भारत की निर्धनता की स्थिति इसी प्रकार बनी हुई है। नेक्स्ट है पूंजी का अभाव। भारत में राष्ट्रीय आय बहुत कम है और अधिकांश जो भाग जो व्यय होता है वो पूंजी की पर्याप्त मात्रा की कमी होने के कारण हम लोग उद्योगों में निवेश नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इतनी विशाल जनसंख्या के लिए अगर सारा हम लोग रहने की सुविधाओं में, रोटी कपड़ा मकान में पैसा खर्च कर देंगे तो पूंजी का अभाव हो जाएगा उद्योगों के लिए, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर निर्धनता की स्थिति और भी गंभीर होती जाएगी। नेक्स्ट है निम्न उत्पादकता। कृषि और उद्योगों में जो भी चीज़ें आधुनिक तकनीकों का यूज़ नहीं हो पा रहा है, भारत में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है जिससे उत्पादकता निम्न होती है। निम्न उत्पादकता से हम लोगों के पास सिर्फ खाने के लिए ही चीज़ें मिलती हैं, उसे बेच नहीं पाते, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, जिससे पैसों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्न मजदूरी दरें। भारत में हर जगह मजदूरी की दरें बहुत ही कम है, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र, जहाँ वहाँ पे पैसों की बहुत मतलब जो भी मजदूरों को दिहाड़ी के तौर पे पैसे दिए जाते हैं तो और देशों की तुलना में यहाँ पर मजदूरी की दरें बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आय का असमान वितरण। तो ये आप लोगों को पता है भारत में कुछ परसेंटेज, जैसे कि 10% जो धनी लोग हैं उनके पास ही पूरी भारत की आय का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उन्हीं लोगों के पास है, तो बाकी जो जनता बसती है उनके पास बहुत ही कम आय रह जाती है। तो यहाँ जो आय का वितरण है वो भी असमान है। इसके कारण जैसे कि हम ये भी बता सकते हैं, एक आंकड़ा है कि जो शीर्ष 10% धनी लोगों के पास कुल घरेलू आय का 35% का योगदान भारत में होता है। इसी में और कारणों की हम बात करते हैं, तो व्यापक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार। जब निवेश नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो रोजगार सब जो भी रीज़न है यहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको उसी में से ढूंढ ढूंढ के अपने पॉइंटर्स बनाने हैं। तो अगर उत्पादन नहीं होगा तो फिर फैक्ट्रियाँ और नहीं लगेंगी, निवेश और नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और अल्प रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है कृषि का पिछड़ापन। कृषि जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नाजुक विषय है, क्योंकि कृषि से ही लोगों को आय का भी साधन प्राप्त होता है, लोगों को रोटी मिलती है, लोगों को अपने भरण पोषण के लिए साधन कृषि से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उन्नत हमारे पास औजार नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, जिससे कृषि जो है जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन कृषि में हो नहीं रहा है। इस कारण से काफ़ी कृषि पिछड़ी हुई है।
नेक्स्ट रूढ़िवादिता। जो भारत है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास व्याप्त हैं, तो इसके कारण यहाँ अधिकांश लोगों का धन जो अनावश्यक कार्यों में खर्च हो जाता है। मतलब कि यहाँ है कि शादी ब्याह में बहुत दिखावा करना है, बहुत धूम डावरी का सिस्टम यहाँ पर है, तो इस टाइप से बहुत सारा धन ऐसी ही चीज़ों में इधर उधर वेस्ट हो जाता है कि लोग अपनी ज़मीन बेचकर भी लोगों को दूसरों को देना चाहते हैं चीज़ें, डाउरी देना चाहते हैं या शादी ब्याह में खर्च करना चाहते हैं या कोई भी फंक्शन है वो करना चाहते हैं, तो इससे भी निर्धनता बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उद्योगों की कमी। सेम वही चीज़ रीज़न यहाँ पर वापस आ गया है कि जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है या निवेश की सुविधा कम है तो उद्योग कम है तो बेरोजगारी होगी, अल्प रोजगार की स्थिति होगी, उससे गरीबी और बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट कालाधन। कालाधन एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। ऐसा बहुत सा धन है जिसके सरकार को ही जानकारी नहीं है और बहुत सारी विलासतापूर्ण वस्तुओं पर वो कालाधन खर्च हो रहा है और इस वस्तुओं पर सरकार को कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता, कोई कर प्राप्त नहीं होता, जिससे जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला रही है उसके लिए धन कम पड़ जाता है, उसकी कमी हो जाती है और गरीबी की स्थिति, ऐसे ही गरीबी का जाल बढ़ता जाता है भारत में। नेक्स्ट है अपर्याप्त शिक्षा। 2011 की जनगणना के अनुसार में ऑलमोस्ट हमारे शिक्षा लगभग 73% है साक्षरता दर, और ग्रामीण साक्षरता दर तो शहरों की तुलना में और भी कम है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश व्यक्ति साक्षर न होने की स्थिति में उनको उनके अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिल पाता। जितने लोग साक्षर होंगे उसी के अकॉर्डिंग उन्हें रोजगार मिलेगा, तो उन्हें मजदूरी कम मिलेगी, मजदूरी कम मिलेगी तो गरीबी वैसी की वैसी ही रहेगी, उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी, खरीदने की क्षमता उनकी कम हो जाएगी। तो ये कुछ रीज़न थे जो गरीबी के थे हमारे भारत में, और भी रीज़न इसके अलावा इसी पॉइंटर्स में से आप बहुत सारे रीज़न खुद भी निकाल सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपने अकॉर्डिंग इसमें और रीज़न निकालिए और काफ़ी चीज़ों में मॉडिफिकेशन कीजिए, और कुछ ऐड हो सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी, तो एक फल तो आप दे ही सकते हैं कि मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, और जो चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये और मैं क्या ऐड कर सकती हूँ उसमें। तो आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।